जिला किन्नौर पहुंची दुबई में गोल्ड मेडल जीतने वाली स्नेहा नेगी। गोवा में विनाक्षी सुजाता ने स्वर्ण व रजत पदक जीतने वाली दीपिका भी पहुंचे जिला मुख्यालय रिकांगपिओ। आज शाम अपने पैतृक गांव सांगला में स्नेहा नेगी व अन्य महिला बॉक्सर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर की महिला बॉक्सर खिलाड़ियों ने देश व विदेश में बॉक्सिंग में स्वर्ण व रजत पदक जीतकर अपना परचम लहराकर देश व प्रदेश के साथ जिला किन्नौर का नाम रोशन किया है। दुबई में एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली स्नेहा नेगी अपने गृह क्षेत्र किन्नौर पहुंची, वहीं उनके साथ गोवा में सीनियर किक बॉक्सिंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली विनाक्षी और सुजाता व रजत पदक जीतने वाली दीपिका भी पहुंची। जिला मुख्यालय रिकांगपिओ पहुंचने पर स्थानीय लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया। वहीं आज शाम अपने पैतृक गांव सांगला में स्नेहा नेगी व अन्य महिला बॉक्सर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं बॉक्सिंग कोच श्याम रतन नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से जनजातीय क्षेत्र जिला किन्नौर के खिलाड़ी ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। वहीं स्नेहा नेगी ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। वही बेरीग नाग सांगला के बॉक्सिंग कोच उपेंद्र नेगी ने कहा कि हमारे कोचिंग सेंटर से अब तक 3-4 लड़कियां इंटरनेशनल मैच खेल चुकी है और हमारा लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करना है। जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप दुबई में जो हुआ था वहाँ से गोल्ड मेडल प्राप्त करके लेके आई हूँ। अभी मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मैंने अपने देश और अपने कोचेज और प्रदेश को प्राउड फील करवाया है। फ्यूचर में एम है कि मैं अपने देश को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूँ और वहाँ से अपने देश के लिए गोल्ड लेके आऊँ। आप कोई मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम हमारे जो देश के युवा है उनको एक ही फील्ड में नहीं अदर फील्ड्स लगा लो, बॉक्सिंग छोड़ के अदर गेम्स जो है वहाँ पे भी अपना टैलेंट दिखाना चाहिए और पढ़ाई में भी अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। सबसे पहले मैं जो स्नेहा ने हमारी किन्नौर की बेटी स्नेहा ने दुबई में चल रहे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप से जो गोल्ड मेडल जीता है उसके लिए सभी किन्नौर वासियों को बधाई देता हूं कि हमारे छोटे से एक जनजातीय जिला का नाम पूरे देश में ऊंचा कर दिया और हमारे जिला को गौरवान्वित किया है। मगर जो JSW ने हमें सांगला में एक बॉक्सिंग रिंग दिया है, उन्होंने जो बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सुविधाएँ दी है, उससे हमें काफ़ी फायदा हुआ। अभी तक जो है हमारे जो है अभी तक 3-4 लड़कियाँ इंटरनेशनल की हुई है यहाँ से, और एक हमारे को जो मतलब एक टारगेट हमारा ये है कि हमने जो है ओलंपियड तक सोचा था, एक ही हमारा ड्रीम था वहाँ का। वो बेंगलार बॉक्सिंग क्लब जो सांगला है जहाँ पर जो है पूरे लगन से मतलब पूरे ईयर जो है पूरा साल जो है चाहे सर्दी हो बरसात हो जो भी हो उसमें कोशिश करता है। और आज आने वाले समय में इनसे मैं ये कामना करता हूँ कि ये हमारे लिए ओलंपिक से मेडल लाए और ये मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि एक ना एक दिन ये मुकाम जो है जरूर आएगा। किन्नौर से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।